माशाल्लाह हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, इस टाइम हर एक छोटे तबके वाला बंदा खुश है, कोई महंगाई नहीं है। यार कुछ तो शर्म करो यार, इन्ना भी झूठ नहीं बुलवाईदा होता, इन्नी महंगाई की दसा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इवन के जो मिडिल क्लास तबका वो बिल्कुल बैठ गया, इवन के जो जिनके कारोबार चल रहे थे वो भी रो रहे हैं। ये इनको जो है ना, हम कह रहे हैं इतने गरीब लोग हैं या क्या कहते हैं, मतलब जो जितने भी इधर हैं किसी से कोई प्यार भी नहीं है, अपना आना है इन्होंने जो भी है वो लेके बैठ रहे हैं रात रात। यहाँ पे जो भी आ रहा है वो खाने को आ रहा, बस खा लेता चले जाता, खा लेता चले जाता, एक आता है दूसरा चला जाता, दूसरा आता तीसरा। जेबें भरने के लिए आते हैं और जेबें भर के चले जाते हैं, आवाम का कोई ख्याल ही नहीं किसी को, सिर्फ आवाम के आगे आगे चार बोल बोल देते हैं कि हम पानी देंगे बिजली देंगे, जबकि कुछ भी हमें नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन हमारे मुल्की हालात के बारे में आपको शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे चल रहे हैं बच्चे बच्चे को पता है। नाज़रीन इंडिया में G20 इजलास चल रहा है, उस इजलास में तुर्की, चाइना, अमेरिका, रूस, जापान जैसे बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन आज क्यों पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम इस हद तक इतनी मजबूर है कि दो वक्त की रोटी भी वो आसानी से अपने आप को मैसर नहीं कर सकते। आवाम से जानते हैं आवाम के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली रज़ा। मोहम्मद अली रज़ा क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। मुझे बताएं कि आपके हालात कैसे चल रहे हैं? सिर्फ 306 रुपए लीटर पेट्रोल है इस टाइम, 200 किलो चीनी है बस। और जो आटा है वो आपके सामने है, जो 350-350 रुपए किलो का, नहीं सॉरी थैला मिलता है 10 किलो का, आज वो थैला है 1500 रुपए का या 1500 से प्लस ही होगा, वही ना प्लस ही होगा, उससे काम तो नहीं होगा। माशाल्लाह हमारा मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है, इस टाइम हर एक छोटे तबके वाला बंदा खुश है, कोई महंगाई नहीं है। यार कुछ तो शर्म करो यार, इन्ना भी झूठ नहीं बुलवाईदा होता, इन्नी महंगाई की दसा। हालात तो बहुत ही आपको पता है संजीदा चल रहे हैं, एक चीज़ ख़त्म होती है दूसरी तैयार हो जाती है महंगाई के लिए, घर के अखराजात पूरे नहीं होते और आगे से बिल आ जाते हैं, डबल डबल बिल दे रहे हैं हम। हालात कैसे चल रहे हैं? बहुत बुरे हालात चल रहे हैं मैडम, बहुत बुरे चल रहे हैं। इंडिया के हालात क्यों बेहतर हैं? वो उनके जो है ना हुक्मरान जो हैं ऊपर, उनकी जो है जो भी कह रहे हैं सियासी लेवल पर जो भी लोग ऊपर वाले हैं वो उनके अच्छे हैं, हमारे ऐसे नहीं है कि जो है ना ये इस काबिल हों। मतलब पाकिस्तान जिस हाल में आज है ये हुक्मरानों की वजह से है? ऐसे ही मैडम, ये बिल्कुल हुक्मरानों की वजह से है। मतलब महंगाई के दौर में तो कोई भी ठीक नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इवन के जो मिडिल क्लास तबका वो बिल्कुल बैठ गया, इवन के जो जिनके कारोबार चल रहे थे वो भी रो रहे हैं, तो आप सोचें जो सफ़ेदपोश लोग हैं उनका क्या हाल होगा। तो ये तो नाज़रीन सवालिया निशान है कि आखिर पाकिस्तानी आवाम दो वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। बिल्कुल दो वक्त की रोटी के लिए, इवन के लोग ज़्यादातर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर भी कमाना इतना आसान नहीं है, अब अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं, लेकिन जो उनको पाकिस्तान में जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो आपको दिखानी चाहिए कि जो लोग बाहर जाते हैं उनकी फैमिली को क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है। हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं, बहुत ख़राब जा रहे हैं, तंग आ गई है आवाम। आवाम बहुत तंग आ गई, आवाम सड़कों पर रो रही है, जिसके बच्चे खाने वाले मकान किराए पर, यह अभी मैं दिहाड़ी पर चला रहा हूँ, 700 रुपये दिहाड़ी है, मैंने पेट्रोल डालना है अपने बच्चों को, ये मालिक की दिहाड़ी निकालनी है, क्या क्या करें, घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे। पाकिस्तानी हालात को देखते हुए आपके दिमाग में पहला लफ्ज़ क्या आता है? आता तो गुस्सा ही है कि अभी हम चला रहे हैं 300 रुपये किलो गैस दे रहे हैं, ठीक है हमें सवारी भी किराया पूरा नहीं देती, इनको बस यही है ये महंगाई किए जा रहे हैं, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बस ये महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं, ठीक है गैस वो इतनी हो गई है, अब चीनी का कह रहे हैं चीनी का रेट गिर गया लेकिन दुकानदार फिर भी महंगी दे रहे हैं, ठीक है ये हम पे एक्शन ले लेते हैं, ये किसी दुकानदार पे या किसी बड़े सौदागर के ऊपर तो ये एक्शन नहीं लेते। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात फर्स्ट क्लास क्यों नहीं है? ये होने भी नहीं है, होने भी नहीं है, क्यों नहीं होने? इसलिए यहाँ माफिया बहुत है, ये सारी अब ये यूक्रेन वाला साहब होना है जो पूरे यूरोप कंट्री का, ये ना अमेरिका रूस को कहा था हम उसको मार देंगे, तो बर्तानिया था, ऑस्ट्रेलिया था, सारे यूरोप कंट्री यूक्रेन के साथ थे, तो वो कुछ कर सके, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सर बताएं महंगाई के बारे में क्या कहते हैं? हाँ अभी आपके आने से पहले यानी कि इनसे यानी कि मेरी बहस हो रही थी कि पहले चाय का कप था 40 रुपये का, अब इन्होंने 70 रुपये का कर दिया है, सीधी जो बात है, तो फिर हमने भी यानी कि ये सोचा कि हम भी अपने अंदर चेंजिंग लेके हैं, तब्दीली लेके हैं, ठीक है इनके अंदर आ नहीं रही तब्दीली, चीज़ थोड़ी सी बढ़ती है, ये यानी कि इतनी परसेंटेज बढ़ा देते हैं,
कि एक गरीब आदमी ने, एक मजदूर बंदे ने चाय यानी कि पीनी है थक हार आके, उसका भी रेट इन्होंने 30 रुपये बढ़ा दिया कप का। मेरी बात सुनें कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे, एक दिन का फ़र्क है, आप देखें कि वो हमसे कितना ज़्यादा आगे पहुँच चुके हैं। बहुत वो इस टाइम बहुत ज़्यादा हमारे से आगे बढ़ गया, हत्ता कि उनकी आवाम देखी जाए ना हमारे से काफ़ी ज़्यादा है, 2-3 गुना ज़्यादा नहीं है। महंगाई बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, अभी महंगाई कुछ भी नहीं है जितनी यहाँ पे महंगाई है। इंडिया में G20 इजलास चल रहा है जिसमें अमेरिका, जापान और दीगर बड़े बड़े ममालिक शामिल हैं, इन पाकिस्तान किस स्टेज पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान इस टाइम 0 की स्टेज पे खड़ा हुआ है। ये कुछ हमारी वाम भी वैसी है ना, ये हम सारी हुकूमत में नहीं छोड़ देते, हमारी वाम भी इनकी। पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो 2 वक्त की रोटी के लिए उनको बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया की अवाम हमसे ट्रिपल ज़्यादा आ गया है, या हमसे बहुत ज़्यादा आ गया है, इवन के आईटी सेक्टर में पूरी दुनिया में वो दूसरे या पहले नंबर पे जा रहा है, और हमारा पाकिस्तान इतना अच्छा होने के बावजूद हमारा आईटी सेक्टर बैठता जा रहा है। बाजी जोन से हमारे हुक्मरान है ना, जोन से हुक्मरान, ये तो बस गरीब जोन से पिसता जा रहा है, अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब हो जा रहा है, गरीब का आजकल जीना मुश्किल हुआ, बिल देखे कितने आ गए, जहाँ पे 3,000 वहाँ पे 10,000, अब गरीब बंदा क्या करे, मैं रिक्शा चलाता हूँ मुझे 5,000 बिल आया, तो मैं अपने बच्चों को पालूंगा कि मैं बिल दूंगा, सारा दिन में 1,000-1,200 रुपये बचाते हैं, और गैस 300 रुपये किलो हुई है। ये जोन से माफिया जोन से हुआ ना, ये चीज़ बड़ी जुल्म कर रही है ये वाले जोन, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। ये हमारे जो बड़े हैं यही इनकी वजह से हो रहा है, जो हुक्मरान है कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, इंडिया में तो नहीं ऐसे होता, ये हमारे पाकिस्तान में ही हो रहा ना, यहाँ पर जो भी आ रहा है वो खाने को आ रहा, बस खा लेता चले जाता, खा लेता चले जाता, एक आता है दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है तीसरा। देखें पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन इंडिया आज इतना ज़्यादा आगे हमसे, सारे डाकू पाकिस्तान में, सारे डाकू, आप वो आपको मार देंगे, आप नहीं मरेंगे, हम कीड़े मकोड़े हैं। देखे जी उनकी हुकूमत यानी कि स्टैंड है इसी तरह, यानी कि चाय के हवाले से हट के मैं बात कर रहा हूँ, उनके बिजली के बिलों को देख लें, यूनिट के रेट यानी कि देख लें, और हमारे देख लें, मैं कह रहा हूँ मैडम 5 से 6 गुना यानी कि जो है ना फ़र्क है। मैं पिछले दिनों यानी कि व्हाट्सएप पे देख रहा था कि उनका यानी कि जो यूनिट है वो तकरीबन 5 या 6 रुपये का होगा, हमारा यूनिट यानी कि समझा रहा है 60-70 रुपये का, घर का यूनिट है, ये इनको ख्याल ही कोई नहीं है, मजदूर बंदे का ख्याल ही कोई नहीं है, मजदूर बंदे की तनख्वाह उतनी है, एक तो ना तनख्वाह बड़ी हो, महंगाई 4 से 5 गुना बढ़ गई है, और तनख्वाह उधर की उधर ही है, बिल के यूनिट कम से कम यानी कि जो है ना हर घर के मामूली, वो एसी नहीं चला रहा, एसी के बगैर हर घर का ना यूनिट जो है वो 300 मकूल यूनिट है, मैं कहता हूँ एक महीने का यूनिट जो है 300 मकूल यूनिट है, 300 यूनिटों का जो है ना 18,000 रुपये बिल आ रहा है, किसी गरीब बंदे का बिल पकड़ के देख लें आप, ये अमीरों को क्या है, अमीरों ने तो ये नहीं, अमीरों के लिए तो फ्री है बिजली भी, मैं कह रहा हूँ इन्होंने चोरी की बिजली लगाई हुई है, ये बाज़ार के अंदर आप पिछले बाज़ार के अंदर चले जाएं, शेड के ऊपर यानी कि जो है अगले चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे यानी कि उनके साथ मिले हुए हैं, इनसे पूछ लें तो ये कहते हैं जी हमारी जो तनख्वाह है वो पूरी नहीं होती, भाई हमारा ऊपर से यानी कि दिहाड़ी हमारी लग रही है। पाकिस्तानी आवाम खुदकुशी की जो रेशा है वो बढ़ चुकी है, बिल्कुल बढ़ चुकी है, जितने स्टूडेंट यानी कि जो है मैडम यानी कि जितने स्टूडेंट है ना, जितने भी स्टूडेंट हैं, माँ बाप पता नहीं कैसे बच्चों को पढ़ाता है कैसे करता है, वो सारे दूसरी साइड पर जा रहे हैं, गलत कामों की तरफ यानी कि जा रहे हैं, माँ बाप ने पता नहीं अच्छी किरण देखी होती है अपने बच्चों की खातर, ख़ासतौर पर लड़के, हमारे जो लड़के हैं, महंगाई ने इन इन हुकूम एक ये हुकूमत वालों ने इन्होंने यकीन बात माने के तबाह बर्बाद कर दी है। आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान के हालात हैं इसके पीछे मेन जो बर्बादी जो जिन्होंने की है वो कौन है? हमारे हुक्मरान जी, हमारे हुक्मरान हैं। क्या सिर्फ इख्तदार के लिए आते हैं, हुकूमत ख़त्म होती बाहर चले जाते हैं? उन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरनी है, जब जेब भर ली उन्होंने अब उन्होंने मुल्क से गायब हो जाना। ऐसे क्या पाकिस्तान चलेगा? ये तो अब हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए, हमारी गरीब आवाम क्या सोचे, हमारे हाथ में तो मुल्क है नहीं, हमने रोटी कमानी है, अपने घर जाना खाना पीना वो भी आजकल हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। ये इनको जो है ना, हम कह रहे हैं इतने गरीब लोग हैं या क्या कहते हैं, मतलब जो जितने भी इधर हैं किसी से कोई प्यार इनको नहीं है, अपना आना इन्होंने जो भी है वो ले कर
बाहर चले जाना रातों रात। कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट नहीं है, करप्ट जरूर होंगे, वो भी होंगे, लेकिन इन जैसे करप्ट नहीं है जो कि हमारे पॉलिटिशियन। इन्होंने पाकिस्तान खराब कर। हाँ जी, जिन्होंने जेबें भरने के लिए आते हैं और जेबें भर के चले जाते हैं, अवाम का कोई ख्याल ही नहीं है किसी को, सिर्फ अवाम के आगे आगे चार बोल देते हैं जी हम पानी देंगे, बिजली देंगे, जबकि कुछ भी हमें नहीं मिलता। इवन के जो पानी और बिजली लाहौर में भी मिल रही है वो भी किसी काम की नहीं है। ये सब जो है ना हमारे को जो है ना बड़े, ये नहीं सही, ये सब सही हो जाए ना तो मुल्क के लिए सही हो। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं, जब हुकूमत आ जाती है इनकी, तब ये बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक। बाद में क्या हो जाता है? जो मर्जी कर लें हम आपके हैं। बाद में ये जो आपने बस अपने टेंट में जाते हैं और हमारे इधर वोट ले लेते हैं, मुड़ के ये कहते हैं बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सिर्फ यहाँ पे आते हैं खुद मांगने के लिए, ये कर्जा ले लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बाद में इधर आने का किसी को पता नहीं, पाकिस्तान के हालात कैसे गुजर रहे हैं कैसे नहीं गुजर रहे, बस ये आ जाते हैं खा के निकल जाते हैं। जब इनको पकड़ने की बारी आती है ये लंदन निकल जाते हैं, कभी कहीं कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। ये सब अंधेरे में रखते हैं आवाम को, बाद में नवी चाल चला लेते हैं। ये बात जारी बेटा, जो सिस्टम बना हुआ है ना ये सिस्टम सही नहीं है, ये गर्दनें उतारी हैं फिर जाके ये सिस्टम सही होगा। क्या करें ऐसा कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं? जाएंगे हम आप भी उठें, मैं भी उठूंगा, फिर सही होंगे, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इम्पॉसिबल। आप मेरे बहन भाई भी ख़त्म हो जाएंगे, आपके भी, इसलिए हम उठेंगे नहीं, ये सिस्टम नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पाकिस्तानी आवाम के भी बीच में गलती है। बिल्कुल, ये लकीर के फकीर हैं, ये कितने सियासतदान हैं सब लूटे हैं, सब सही नहीं है। क्या पाकिस्तान के हिस्से में ही ऐसे हुक्मरान आने थे? अमेरिका नाल है, डॉलर दे रहा है, खुद तो खुशहाल हैं सारे ममालिक, यहाँ आज किसी चीज़ नहीं निकल सकती, निकालें डैम नहीं बन सकता क्या? गैस नहीं निकल सकती, पेट्रोल नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता? कितने सियासतदान सब खाऊ है। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे लास्ट पे आप, कैसे हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं? हमारे मुल्क के हालात ऐसे बेहतर हो सकते हैं कि हुक्मरानों कुछ तो शर्म खाओ, आयो वापस, ऐडा ही मुल्क है। मैं सर यही देंगे आवाम को जो है ना, एक साथ मिल के चलना चाहिए और जो है ना ये ऐसा कोई बंदा चुन लें जो इनके लिए बेहतर कर सके। पैगाम यही दूंगा कि यार अपनी कोशिश करें, और जो इंसान किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पे जाता है या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाता है वो नियत और अच्छी नियत के साथ काम करें, ऑनेस्ट होके, ताकि हमारा मुल्क आगे जा सके। वैसे मैं यही दूंगा कोई अच्छा सा बंदा आ जाए जो फरिश्ता अल्लाह पाक भेज दें। क्या लगता है आपको, आ जाएगा ऐसा बंदा? इंशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ यही आ जाए, ये बैरन लगे हुए तबीयत यार, ये देखें, ये देखें, यही आ जाए इंशाल्लाह। नवाज शरीफ से भी माफ़ी है, इमरान खान से भी माफ़ी है, जो आए को अच्छा मुसलमान आए जो मुल्क के हालात सही कर दे, कारोबार सही कर दे, खाने के देखें आप, ये आप रोडों पे देखें लेडीज आई हुई हैं, वो बेचारों को क्या मसला मसाले, ये अच्छी औरतें हैं जो घर के हैं वो मांगती है, शर्म आती है मिलो। बस यही कहना चाहेंगे कि ये थोड़े से जो हमारे हुक्मरान हैं ये हम पे हमें मद्देनज़र रखते हुए ये कोई एक्शन लें, कि ये जो दुकानदार हैं ये इतनी महंगाई क्यों किए जा रहे हैं। मैसेज यही है कि आवाम उठे, ताई मतलब ठीक होगा नहीं, नहीं होगा, बच्चों हालात है ना उस उठेंगे तो काम होगा, ये कभी नहीं हो सकता। मैडम मैंने क्या यानी कि पैगाम देना है, मेरे से पहले भी इतने गरीब आदमियों ने भी इनको पैगाम दिया है, इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो मसला है। अगर फ़र्क पड़ता हो ना तो हमारा हर बंदा जो है आज़ाद मुल्क है, ठीक है। ये तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, उनका एक दिन का दिन नहीं दे सकते, उनके अंदर जज्बा था, जुनून था, इनके अंदर क्या है, ये इनके अंदर सिर्फ चोर डाकू, सारे चोर डाकू हैं, किसी को सांस नहीं है, उनको सांस था, तो हम आज़ाद मुल्क में ये बैठे हुए हैं।